दोस्तों स्वागत है आपका चालाकी से बात करो सीरीज की थर्ड वीडियो में। इस वीडियो में बताई गई टेक्निक्स मैंने ली हैं लील लॉन्डिस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से। इस वीडियो में आप चार बातें सीखोगे। नंबर वन, अपनी स्माइल से किसी को स्पेशल कैसे फील करवाएं। नंबर टू, मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह बोलकर लोगों को इम्प्रेस कैसे करें। नंबर थ्री, अनजान लोगों की पार्टी में दोस्त कैसे बनाएं। और नंबर फोर, ये कैसे पता करें कि दो लोग कितने क्लोज फ्रेंड हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई ट्रिक ये है कि किस तरह से हम ऐसी बात करें कि सामने वाला हमसे क्लोज फील करे। तो दोस्तों बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। ट्रिक नंबर वन, अपनी स्माइल से किसी खास इंसान को स्पेशल कैसे फील करवाएं। एक बार ऑथर एक शिप के रिसीविंग लाइन में खड़ी थी। ऑथर उस शिप में काम करती थी। वो अपनी कलीग्स के साथ पैसेंजर्स को ग्रीट करने के लिए खड़ी थी। एक पैसेंजर बहुत ही खुश होकर स्माइल करके सबसे हाथ मिलाता हुआ आ रहा था। जब वो पैसेंजर ऑथर के पास आया तो उसने ऑथर को एक बड़ी स्माइल दी। ऑथर कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उस पैसेंजर के दांत सफेद पियानो की तरह चमक रहे थे और उन्होंने उस पूरी शिप को रोशन कर दिया हो। ऑथर को वो पैसेंजर बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा। तो क्या एक बड़ी स्माइल कर देने से इंसान इंटरेस्टिंग बन जाता है? बिल्कुल नहीं। स्टोरी में एक ट्विस्ट है, आगे सुनिए। ऑथर ने देखा कि जैसे जैसे वो पैसेंजर आगे बढ़ता रहा उसने सेम वही बड़ी स्माइल हर क्रू मेंबर को दी। और जब उस पैसेंजर ने आखिरी क्रू मेंबर की तरफ भी देखकर वैसी ही स्माइल दी तो ऑथर का उस पर से इंटरेस्ट चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? हम इंसानों को स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा लगता है। जब कोई हमें स्पेशली ट्रीट करता है तो वो इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो इंसान वही स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे सामने किसी और को भी दे तो हमारा उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ऑथर इस टेक्निक को बोलती हैं द एक्सक्लूसिव स्माइल। वो कहती हैं कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है या फिर आपको किसी पर इम्प्रेशन जमाना है या अटेंशन पाना है तो अपनी सबसे अच्छी और बड़ी वाली स्माइल बचा कर रखो उसके लिए जिसे आप इम्प्रेस करना चाहते हो, जिसे आप स्पेशल फील करवाना चाहते हो। बाकियों की तरफ भी मुस्कुराओ लेकिन थोड़ा कम। नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपको देखकर स्माइल करे तो जरा ये भी देखना कि वो सबको इसी तरह से स्माइल देता है या सिर्फ आपको ही दे रहा है। कहते हैं कि उनकी मुस्कुराहट को इजहार मोहब्बत ना समझना, कहीं ये मुस्कुराना उनकी आदत ना हो। ट्रिक नंबर टू, मोटिवेशनल स्पीकर्स के एक्शंस कॉपी करके लोगों का अटेंशन कैसे हासिल करें। ऑथर बताती हैं कि कैसे अच्छे स्पीकर्स अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करके बोलते हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही दम होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज एनर्जेटिक होती है। आप भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को कॉपी करके लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप उनकी तरह बोलने की ट्रेनिंग लो। इसके लिए जो टेक्निक ऑथर ने बताई उसका नाम है यूज जॉय स्मिथ्स जाइव। ऑथर कहते हैं कि हम भी उन स्पीकर्स की तरह अच्छी फनी विटी और दमदार लाइंस यूज करके लोगों का अटेंशन पा सकते हैं। हमें हर ऑकेशन के लिए कुछ ना कुछ लाइंस रेडी रखनी चाहिए। रेडियो ब्रॉडकास्टर बैरी फेबर के पास गजब की लाइंस रेडी होती थी। इंडिया में भी हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है, नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू इसमें इतने माहिर है कि वो हर बात पर कोई मुहावरा या कोई शेर सुना देते हैं और वो इसके लिए फेमस है। बैरी फेबर ने कन्फेस भी किया था कि वो कोटेशंस और ह्यूमरस बुक पढ़ते थे। आप भी ऐसे बुक्स पढ़ सकते हो ताकि आप हर रोज की बातचीत को और ताजा बना सको। हमारी बातें अगर लोगों को हंसा सके, उन्हें मोटिवेट कर सके तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है। लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और वो आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह ऐसे वर्ड्स और फ्रेसेस यूज करने चाहिए कि सामने वाले पर अच्छा असर पड़े। इसलिए हमें हर रोज बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि हमारा ह्यूमर और हमारी वोकैबुलरी बेहतर हो। ट्रिक नंबर थ्री, अनजान लोगों की पार्टी में दोस्त कैसे बनाएं। एक बार ऑथर के फ्रेंड डॉक्टर जॉन अपनी वाइफ यमिका को लेकर अपने कलीग्स की एक पार्टी पर गए। वहां पर सब डॉक्टर्स थे और यमिका को डॉक्टर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। यमिका सिर्फ एक ही डॉक्टर को जानती थी जो कि उनके हस्बैंड डॉक्टर जॉन ही थे। एंड ऑफ कोर्स इन लोगों ने रोमांस करते टाइम दवाओं पर तो बात नहीं की होगी। तो यमिका के हस्बैंड डॉक्टर जॉन ने उनसे कहा, तुम कुछ सवाल पूछ लेना, जैसे आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप किस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हो या फिर हॉस्पिटल के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। यमिका ने जॉन की बातों को फॉलो किया और पार्टी में वैसे ही सवाल हर डॉक्टर से पूछती गई। उस पार्टी में वो दोनों सबसे चहीते कपल थे। सबको यमिका बहुत पसंद आई और वो दोनों पार्टी में छा गए। ऑथर इस टेक्निक को कहती हैं बेरिंग देयर हॉट बटन, मतलब किसी भी कॉमन प्रोफेशन वाले गैदरिंग में जाने से पहले हमें उनके फील्ड के इश्यूज या न्यूज के बारे में जान लेना चाहिए। सबके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बाहर की दुनिया नहीं जानती। अगर हम वैसे सवाल पूछ पाए तो लंबी बातें कर सकते हैं और उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। ट्रिक नंबर फोर, द प्री मैचर वी। इस ट्रिक से आप ये पता कर सकोगे कि दो लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। मान लो कि आप एक पार्टी में जाते हो और वहां पर एक लड़का और एक खूबसूरत सी लड़की बात करते हुए आपको नजर आते हैं। अब आप ये पता करना चाहते हो कि ये दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। नहीं पता करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, अगर आप पता करना चाहते हो तो ऑथर ने ये टेक्निक बताई है जिसका नाम है द प्री मैचर वी। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो कई लोगों को शायद अच्छी ना लगे। आपको उन लोगों से थोड़ी दूर खड़े रहना होगा ताकि आप उनकी बात सुन सको। बातों के होते हैं चार लेवल्स। आपको ये देखना है कि वो किस लेवल की बात कर रहे हैं। लेवल नंबर वन, क्लिशेस।
दो स्ट्रेंजर्स लेवल 1 यानी कि क्लिशेस यानी घिसी पिटी पुरानी बातें करते हैं, जैसे वेदर कितना अच्छा है, सरकार कितनी बुरी है वगैरह वगैरह, क्योंकि उनके पास और कोई बात होती ही नहीं है करने के लिए। लेवल नंबर 2 फैक्ट्स। जब दो लोग एक दूसरे को थोड़ा सा जानते हो तो फैक्ट्स बताते हैं, जैसे कि इस साल मैंने घर में एसी लगवाया है, मैं एक नई गाड़ी लेने वाला हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेवल 3 फीलिंग्स एंड पर्सनल क्वेश्चंस। जब दो लोग दोस्त बन जाते हैं तो वो आपस में अपने फीलिंग्स को लेकर बातें करना शुरू कर देते हैं। वो वेदर जैसे बोरिंग सब्जेक्ट से भी फीलिंग्स जोड़कर बातें करते हैं, जैसे कि मुझे बारिश के मौसम से प्यार है। वो लोग पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे कि तुम्हें सर्दियों में ज्यादा अच्छा लगता है या गर्मियों में। लेवल 4 वी स्टेटमेंट्स। इस लेवल की बातें वो लोग करते हैं जो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, और इस लेवल में वो लोग वी यानी कि हम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमें वहाँ जाना चाहिए, या अगर वेदर अच्छा रहा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, या फिर चल वहाँ साथ जाते हैं मजा आएगा। और कहते हैं कि हमें वी या हम सुनने में अच्छा लगता है, मानो बोलने वाला हमारे करीब का ही कोई हो। इस टेक्निक में ऑथर बताती हैं कि हमें किसी से बात करते वक्त वी या हम या हमारे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सामने वाला खुद को हमारे और करीब फील कर सके। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम सामने वाले के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 4 टेक्निक्स फ्रॉम द बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लेल लौंडेस। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स आने वाली हैं, तो आपने घंटी वंटी अगर नहीं दबाई हो तो दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हो तो आप ये बुक ऐप डाउनलोड करो। ये बुक ऐप सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हिंदी प्रीमियम बुक समरी ऐप है, जिस पर अभी एक ऑफर चल रहा है। आप 499 में से एक साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यूज करना है कोड YEBOOK499। तो अब आप इस वीडियो को लाइक करो और मैं इसे करता हूँ समराइज। ट्रिक नंबर 1, द एक्सक्लूसिव स्माइल। अगर आप किसी ग्रुप के सारे लोगों के साथ एक ही स्माइल से हेलो बोलोगे तो उस स्माइल की वैल्यू गिर जाती है। अलग अलग स्माइल यूज करना सीखो, और जिस इंसान को आप खास फील करवाना चाहते हो उनके लिए सबसे बड़ी वाली स्माइल बचा कर रखो। ट्रिक नंबर 2, यूज जॉ स्मिथ जाइव। आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप ऐसी लाइंस हमेशा रेडी रखो जो सामने वाले को इम्प्रेस कर दे। आपकी लाइंस ह्यूमरस, फनी और गजब की होनी चाहिए, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ऐसी लाइंस आपको आसानी से इंटरनेट और बुक्स में मिल जाएंगे। और भी बेहतर होगा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स या कॉमेडियंस की बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करो। ट्रिक नंबर 3, बेरिंग देयर हॉट बटन। जब भी आप किसी गैदरिंग में जाओ जहां पर आपको पता है कि किस प्रोफेशन के लोग ज्यादा आने वाले हैं, तो आप उनके फील्ड की सारी डिटेल्स लेकर जाओ। इससे आप उनके साथ लंबी बातें कर पाओगे और उस पार्टी या गैदरिंग में छा जाओगे। ट्रिक नंबर 4, द प्री मैच वी। ऑथर के हिसाब से लोगों के बीच में बातों के 4 लेवल होते हैं, और लेवल 4 वो लेवल है जहां दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। वो लोग अपने कन्वर्सेशन में ज्यादातर हम या वी का इस्तेमाल करते हैं। हमें भी अगर किसी को क्लोज फील करवाना है, स्पेशल फील करवाना है, तो हमें वी और हम का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सामने वाला मेंटली हमारे और करीब हो जाता है। तो अब हम लोग मिलेंगे सीरीज की 4th वीडियो में नेक्स्ट वीक। यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप में से बहुत से लोग मुझे देखना चाहते थे, इसलिए ये वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ऑन कैमरा वीडियोज़ नहीं बनाने के रीजन्स हैं। पहला रीज़न ये है कि मैं वाइट बोर्ड, शुरू से इस चैनल पे वाइट बोर्ड वीडियोज़ बना रहा हूँ, और वाइट बोर्ड वीडियोज़ से मैं ज़्यादा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि इससे पहले मैं ऑन कैमरा वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर आप लोगों के ही कमेंट्स आए थे कि हमें एनिमेटेड वीडियोज़ ही देखना है, तो इसलिए मैं इस पर एनिमेटेड वीडियोज़ कंटिन्यू करता हूँ। तीसरा रीज़न ये है कि मैं ये वीडियोज़ बनाने के लिए एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, स्टूडियो लाइक एनवायरनमेंट में ऑडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे ऑडियो बहुत क्लियर होती है। आप इस ऑडियो को उस ऑडियो से कंपेयर करोगे, वाइट बोर्ड वाली ऑडियो से कंपेयर करोगे इस ऑडियो को, तो आपको फ़र्क पता चलेगा। तो ये कुछ रीजंस थे ऑन कैमरा वीडियोस नहीं बनाने के। आपको मुझे ऑन कैमरा अगर देखना है तो मेरा एक पर्सनल चैनल भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। दैट्स ऑल।